हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हालांकि हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख रखे हैं, उन वीडियोस को आप लोग फटाफट जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री लगातार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान में बताते जा रही है, डे वाइज हम लोग भी उसको डिस्कस करते जा रहे हैं इन आवर डिटेल्ड मैनर। आज भी उसी तरीके के स्कीम को हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो डे फोर की ब्रीफिंग हुई है, यानी कि कल ब्रीफिंग हुई है। अगर इस ब्रीफिंग को मैं कैटेगराइज करूं तो देखिए, इसमें बेसिकली नियर अबाउट 7 सेक्टर्स का डिस्कशन किया गया है। 7 सेक्टर में किस तरीके से फंड की पूलिंग की जाएगी, या फिर 7 सेक्टर को किस तरीके से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इन 7 सेक्टर्स में एक सेक्टर कोल का है, कोयले का, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे ही देख लिया होगा। इसके अलावा मिनरल्स का है, डिफेंस का है, सिविल एविएशन का है, डिस्कॉम का है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और स्पेस और एटॉमिक एनर्जी का है। तो ये काफी हद तक ओपन कर दिया गया है अब इकोनॉमी को। कई जगहों पर कॉर्पोरेटाइजेशन कर दी गई है, कई जगहों पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। क्या कुछ होने वाला है, हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब आप इसको एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ये लगेगा कि दिस स्कीम इज नॉट बेसिकली अ स्कीम, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल चेंज। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको दिखेगा, जिसमें जैसा कि हम लोगों ने 1991 के रिफॉर्म में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैंने आपको जब वीडियो नंबर 1 बताई थी, जहां पर हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कंट्री को या तो बना देते हैं या फिर उसको खत्म कर दे रहे होते हैं। तो ये स्कीम कुछ इसी तरीके की स्कीम है, जहां पर भारत को बनाने के बारे में बात हो रही है, लेकिन कुछ यहां पर अगेन मेजर्स लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया हुआ था। कुछ कमेंट्स मैंने किए हुए थे अपने इस स्कीम के ऊपर में, इसी कमेंट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, एंड दैट कमेंट विल बी ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर यूपीएससी एग्जामिनेशन। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसका यूज करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये हमारी है आत्मनिर्भर भारत, जहां पर पार्ट 4 न्यू हराइजंस ऑफ ग्रोथ ये थीम देकर के बोला गया है। 16 मई 2020 को ये स्कीम निकाली गई है। इसमें सबसे पहले जो बात की गई है वो बात की गई है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इसका टैगलाइन दिया गया है पॉलिसी रिफॉर्म टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बेसिकली इसमें किया क्या गया है, इसमें ये कहा गया है देखिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए एफडीआई आएगी या एफआईआई आएगी या जो भी आएगा। होता क्या है, जब ये लॉन्ग चैनल से जब ये आती है तो इनको लॉन्ग चैनल से होकर के गुजरना पड़ता है। लॉन्ग चैनल के कारण से कई बार क्या होता है, इनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लाइक मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि इसको क्लियरेंस करने के लिए एक अलग से एक बॉडी बनाई जा रही है, जिसका नाम रहेगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो बेसिकली अब एफडीआई एफआईआई को अप्रूव करने के लिए एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस बनाई जाएगी, जो कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के अंडर में रहेगा। इसके अलावा देखिए, एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी बनाया जाएगा इन ईच मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स, कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें हम लोग एफडीआई या एफआईआई अलाउ कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगी। जस्ट लाइक हर एक कॉलेज में अपनी एक टीएनपी सेल होती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होती है, वैसे यहां पर भी एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगी, जो कि बताएगी कि किसमें हमें एफडीआई एफआईआई कितना इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग रहेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंप्लॉइज है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सकेगी। इसके अलावा देखिए, रैंकिंग ऑफ स्टेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हो। जब उनको एक इंडेक्स मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा, एक रैंकिंग मिलेगी, तो अकॉर्डिंगली वो भी चीजों को देख रहे होंगे। जैसे लोन लेने के लिए जो बैंक होते हैं वो आपका सिविल रेशियो देख रहे होते हैं, तो सिमिलरली यहां पर भी एक रैंकिंग वगैरह निकाली जाएगी, जिससे कि अट्रैक्टिवनेस देखा जाएगा कि किस स्टेट में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इससे फायदा स्टेट का भी हो रहा होगा, स्टेट आपस में कंपटीशन जब फेस करेंगे तो डेवलपमेंट हाईएस्ट लेवल पे हो रहा होगा। इसके अलावा देखिए, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू चैंपियन सेक्टर ये निकाला जाएगा, एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन सेक्टर्स सच एज सोलर हो गया, या पीवी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज वगैरह हो गया।
तो इन सब चीजों में अलग अलग से यहां पर भी कुछ चैंपियन सेक्टर बनाए जाएंगे। चैंपियन सेक्टर कहने का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं, इन सारे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें प्रमोशन ऑफ न्यू चैंपियन सेक्टर, ये नई एक इंसेंटिव स्कीम निकाली जाएगी। अगेन ये अब मंत्रालय ज्यादा इसके बारे में, मिनिस्ट्री इसके बारे में ज्यादा क्लेरिफिकेशन देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बात कही जा रही है। यहां कहा जा रहा है कि स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट थ्रू चैलेंज मोड फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर अपग्रेडेशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड कनेक्टिविटी। अब ये क्लस्टर फॉर्मेट में किया जाएगा, एक कह लीजिए ग्रुप फॉर्मेट में किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या जो भी कनेक्टिविटी या जो भी डेवलपमेंट करना है। इस क्लस्टर फॉर्मेट करने के लिए देखिए सबसे पहली जरूरत होती है लैंड की, और लैंड के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि लैंड को एक्वायर कैसे करना है। हालांकि इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ लॉज है, नंबर ऑफ चीजें हैं, कंपनसेशन वगैरह है, लार एक्ट वगैरह भी है, लेकिन अभी भी अगेन हमें दिक्कत आ रही थी, यानी कि जितने भी कॉरपोरेट एंटिटी है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लैंड को एक्वायर करना यह बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ था। इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड और लैंड बैंक फॉर प्रमोटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद जीआईएस मैपिंग। इसमें होगा क्या, एक तो लैंड की अवेलेबिलिटी करवा देंगे और इसको डाल देंगे जीआईएस पे। जीआईएस का मैप, जीआईएस का मतलब आप लोग सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि एक तरीके का गूगल मैप जो होगा केवल और केवल लैंड की लोकेशन को देखने के लिए। जैसे आपको आइडिया लेना है कि इस लैंड के पास में क्या, मतलब आसपास के इलाके में क्या है, इज इट अवेलेबल फॉर सेल और नॉट, देन यू कैन ऑब्वियसली गो देयर एंड चेक वेदर इट इज अवेलेबल फॉर सेल और नॉट। तो इस तरीके से ये जीआईएस की मदद से, डिजिटल इंडिया की मदद से ज्यादा अपग्रेडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा देखिए जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा होगा तो उस दौरान में भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि चीजों को आप डायरेक्टली आप देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। इसे किया जा रहा है क्या, इसे 3376 इंडस्ट्रियल पार्क ई स्टेट एसईजेड्स इन 5 लाख हेक्टेयर मैप्ड ऑन आईआईएस फॉर्मेट में इसको कर दिया गया है। जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह हैं उनको रैंकिंग वगैरह कर दी गई है। दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये बस पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में क्या की हुई है। क्लियर। इसके आगे देखिए न्यू होराइजंस ऑफ ग्रोथ, ये बेसिकली फोकस किया गया है कि कैसे हम लोग नए लेवल को अचीव कर रहे होंगे ग्रोथ के लिए। इसमें अलग अलग सेक्टर को अलग अलग ध्यान दिया गया, जैसे कोल सेक्टर हो गई या मिनरल सेक्टर हो गई या फिर सिविल एविएशन की सेक्टर हो गई, एटॉमिक एनर्जी की सेक्टर हो गई, मल्टीपल सेक्टर साथ दे, और वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोल सेक्टर की। अगर कोल सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए यहां पर होती है ऑक्शनिंग। अगर कोल ब्लॉक की होती है तो ऑक्शनिंग होती है। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कोल ब्लॉक अलोकेशन। तो कोल ब्लॉक अलोकेशन जो पहले होती थी वो गवर्नमेंट खुद से करती थी। इसमें होता क्या था, छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए, सपोज यहां पर ये देखिए ये पूरा का पूरा हमारा माइन है, सपोज ये माइन है। अब ये माइन देखिए बहुत बड़ी है, माइन का मतलब जो मिनरल जहां से हम लोग निकालेंगे ये काफी बड़ी होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है इसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक का मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। सपोज मैंने यहां पर इसको तोड़ दिया और 9 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रख दिया है, 9 या 12 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रख दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट बताएगी, मान लेते हैं इस वाले ब्लॉक की अलोकेशन करनी है, तो गवर्नमेंट इसके लिए ऑक्शनिंग करना शुरू कर दी और कहा गवर्नमेंट ने कि नाउ इट इज ओपन, अब आप इसकी बिडिंग कर सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज है वो अपना बिडिंग वगैरह कर देती है। मान लेते हैं यहां पर L&T ने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठा लिया। अब L&T क्या करेगी, अपना जितना भी JCB या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी टूल इक्विपमेंट जो भी चाहिए होंगे अब वो यहां ले आकर के सेटअप कर देगी। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट दूसरे ब्लॉक को अलोकेट करना चाहती है, और दूसरा ब्लॉक मान लेते हैं कि ये है। जब इस ब्लॉक के लिए रहेगी तो ऑब्वियसली L&T अब इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेगी। क्यों, क्योंकि अब इस ये तीन इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर L&T सोचेगी कि अगर ये तीन हमें मिल जाएंगे तो हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस टूल एंड इक्विपमेंट का हम लोग यहां यहां पर भी यूज कर लेंगे। अगर हमें यहां से सीधे यहां लेकर के जाना होगा अपने JCB को, देयर विल बी प्रॉब्लम, देयर विल बी लॉसेस, काफी ज्यादा लॉस होगा, हमें ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा। इससे L&T यहां पर इंटरेस्ट शो नहीं करेगी और इस तरीके से जो फेयर ऑक्शनिंग हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए किया कि अब जो भी ऑक्शनिंग होगी वो बेसिकली अब प्राइवेट पार्टी खुद कर सकती है। मतलब क्या है, अब ये जो भी ब्लॉक का लोकेशन निकालना है वो प्राइवेट पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि कौन से ब्लॉक की ऑक्शनिंग करवानी है
और कितना बिडिंग किसका है। इससे फायदा यह होगा कि जो भी कंपनी, जैसे मान लेते हैं एलएनटी ने अगर ये लेके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो आसपास के भी ब्लॉक को अपना ले लेगी और अब ये पूरा का पूरा क्लस्टर फॉर्मेट में इसको डेवलपमेंट करना शुरू कर देगी। और इनफैक्ट ये चीज यहां पर फोकस भी की गई है, यहां पर यही बोला गया है कि पॉलिसी रिफॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल माइनिंग इन कोल सेक्टर। हो क्या रहा है, कोल सेक्टर जो कि नियर अबाउट 70% गवर्नमेंट के हाथ में है और ऑक्शनिंग वगैरह करवाना भी अभी गवर्नमेंट के ही हाथ में रहता है, अब ये ओपन कर दिया गया है टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आएगा, इफिशियंसी बढ़ेगी और अब जो हम लोग अपना कोयला बाहर से मंगवा रहे होते हैं, मतलब कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अब हम लोग खुद अपना कोयला सेल्फ सफिशियंट बन जाएंगे, हम लोग अपने कोल को निकाल रहेंगे। होता क्या है हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी अगर यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो देखिए हमारे पास कोयला जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, मतलब बेसिकली फोर टाइप का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, तो अलग अलग तरीके का होता है। अब यहां पर हमें क्या होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो एंथ्रासाइट होती है और बिटुमिनस हो रही होती है। हमारे पास जो मेनली पाया जाता है वो पाई जाती है हमारी लिग्नाइट कोल और पीट कोल, कुछ पार्ट में हमें गोंडवाना कोल या फिर कह सकते हैं कि कुछ पार्ट में हमें बिटुमिनस कोल मिल जाती है, अदरवाइज हमें बाहर से ही मतलब चाइना से ही हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोल हम लोग खुद से निकालेंगे, खुद से माइन करेंगे, जो भी हमारी बिटुमिनस या जो भी हमारी लिग्नाइट वगैरह कोल पड़ी हुई है हम लोग उसी को निकालेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल क्लीन इट और उसी से हम लोग अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो यहां पर वही चीज कही गई है, इट नीड टू रिड्यूस इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट को रिड्यूस करना होगा ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल कोल, जो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी चीजें हम निकाल सकते हैं उतना हम लोग इंपोर्ट अब नहीं करेंगे। वी आर ट्राइंग आवर सेल्फ टू मेक आवर सेल्फ सेल्फ रिलायंट इन कोल प्रोडक्शन, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इंपोर्ट तो ना करें। गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कोल सेक्टर, कैसे करेगी, पहला रिवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू इंस्टेड ऑफ रेजिम ऑफ फिक्स्ड रूपी टन। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं सपोज यहां पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, मान लेते हैं कि एलएनटी एक साइड में और दूसरे साइड में मान लेते हैं कि शाहपुरजी पलूनजी है, एलएनटी मान लेते हैं कि इनकी जो प्रॉफिट, ऑब्वियसली इनकी प्रॉफिट ज्यादा है, इस कंपनी का जो टर्नओवर है, प्रॉफिट छोड़िए, इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो ऑब्वियसली ज्यादा है एज कंपेयर टू शाहपुरजी एंड पलूनजी। मान लेते हैं इनका टर्नओवर मान लेते हैं कि 1000 करोड़ का है, इनका टर्नओवर मान लेते हैं कि केवल और केवल 100 करोड़ का है। अब इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एलएनटी की ज्यादा है, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। होगा क्या, गवर्नमेंट जब इनको ऑक्शनिंग कर देगी तो मान लेते हैं एक ब्लॉक एलएनटी ने ले लिया, दूसरा ब्लॉक मान लेते हैं कि शाहपुरजी पलूनजी ने ले लिया है। एलएनटी से अब कहा जाएगा कि ऐसा है, तुमको जितना भी ब्लॉक मिला है उसमें से जितना भी आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जो भी चीजें निकालेंगे, जो भी मिनरल निकालेंगे, उसका हमें कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा एज अ फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड रूपी पर टन। 5 टन मान लीजिए कोयला निकाला, अकॉर्डिंगली आपको इतना रुपए देना पड़ जाएगा। एलएनटी ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन शाहपुरजी पलूनजी क्या है कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो यहां पर इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसने केवल अभी एक्सप्लोरेशन किया है, बेचा नहीं है मार्केट में, तो अभी केवल और केवल उसने अपने पास रिजर्व इकट्ठा किए हैं, इकट्ठा किया है सामान, इकट्ठा किया है, जब उसको बेचेगा तब जाकर के उसके पास बेसिकली पैसा आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो बेसिकली दब जाती है, केवल बड़ी कंपनी ही बाहर निकल के आ पा रही होती है, तो काइंड ऑफ मोनोपोली यहां पर अगेन आ जा रही होती है, जो कि अगेन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो फेयर कंपटीशन यहां पर जनरेट नहीं हो पाता है। इस फेयर कंपटीशन को जनरेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने यह कहा कि अब हम लोग रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अपनाएंगे। रिवेन्यू शेयरिंग का मतलब जब आप बेचना शुरू करेंगे उस बेचने पे जितना पैसा आप कमाएंगे उसका हमें सर्टेन परसेंटेज या जो भी फिक्स पहले से होगा वो बेसिकली उतना परसेंटेज हमें चाहिए होगा। तो अब बेसिकली रिवेन्यू मॉडल पे चला आया है, जैसा कि हमारे इस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी एचईएलपी पॉलिसी में जैसा कि था वैसा ही यहां पर भी लेते आया गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है, अर्लियर ओनली कैप्टिव कंज्यूमर्स विद एंड यूज ओनरशिप कुड बिड। तो पहले केवल और केवल कैप्टिव यूजर्स वाले लोग, जैसे एलएनटी टाइप के लोग ही केवल और केवल बिडिंग कर सकते थे। जैसे एक्चुअल में एलएनटी का मतलब दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक्चुअल में जितने भी पावर जनरेशन वाले जितने भी कंपनीज हुआ करती थी वो हुआ करती थी यहां पर जो भी बिडिंग करने में आ रही होती थी। Now any party can bid for a coal block and sell in open market.
क्लियर हो गया क्या चीज है ये? एंट्री नॉर्म विल बी, अब इसमें क्या है कि अभी तक एक्सपीरियंस मांगा जाता था कि जो भी कंपनी ऑक्शनिंग में आ रही है, इससे क्या होता था जो नए मार्केट में जितने नए प्लेयर हैं वो कभी आ ही नहीं पाते थे, और अगेन ये वही कहानी बन गई कि आपको नौकरी अगर लेनी है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब बेचारे वो 5 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाए जब उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन ये प्राइवेटाइजेशन की ओर एक बहुत अच्छा कदम है, जहां पर ये बोला गया है कि अब नो एलिजिबिलिटी कंडीशन, ओनली अपफ्रंट पेमेंट विद अ सीलिंग, पैसा देना है आपको आ जाना है कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस बेसिस वाला जो हमारा एक तरीके से एलिजिबिलिटी कंडीशन हुआ करती थी वो अब हटा दिया गया है। नियरली 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर्ड इमीडिएटली, तो इस तरीके से 50 ब्लॉक को हम तुरंत के तुरंत कोयले के लिए निकालने के लिए कोल ब्लॉक एलोकेशन के लिए डाल देंगे हम लोग, जिससे कि कंपटीशन वगैरह बनना शुरू हो जाए। तो दिस इज बेसिकली जो कोल एलोकेशन के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा। अगर हम लोग बात करें आगे, देखिए कमर्शियल माइनिंग के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है कि एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन रेजिम फॉर पार्शियल एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन व्हाट, गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन, मतलब एक्सप्लोर भी करके प्रोडक्शन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो सरकार को दे दिया जाएगा। अगेंस्ट अर्लियर प्रोविजन ऑफ ऑक्शनिंग ऑफ फुल एक्सप्लोर्ड कोल ब्लॉक, नाउ इवन पार्शियल एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स टू बी ऑक्शन, तो अब क्या है पार्शियली जो एक्सप्लोर्ड होंगे उनको भी दे दिया जाएगा, ऑक्शनिंग कर दी जा रही होगी। This will allow private sector participation in the exploration. Production earlier than scheduled will be incentivized through rebate in revenue sharing. तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि क्या कुछ है जो कि मैंने अभी बताया, वो सारा का सारा यहाँ पर भी वही सब चीजें हो रही हैं। इसके आगे अगर बात करें तो देखिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को और बढ़िया करने के लिए और इन्वायरमेंट को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया है, और इसमें कहा गया है कि अब कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफैक्शन विल बी इंसेंटिवाइज थ्रू रिबेट इन रिवेन्यू शेयरिंग, तो जितने भी लोग कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफिकेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो भी रिवेन्यू शेयरिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज के फॉर्मेट में उनको रिबेट दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। This will result in significantly lower impact, environment impact, and this will assist India in switching to a gas-based economy. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब जरा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोल है, कोल को आप सीधे-सीधे बर्न करेंगे तब जा करके आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इस बर्न करने के दौरान में पहले तो कोल कार्बन के कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा गैसेस निकल जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कोक निकल जाती है, और उसके कारण से इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाता है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ज्यादा थे। अब इसमें किया ये जाएगा कि कोल को हम लोग एक भट्टी में लेकर के जाएंगे, एक फर्नेंस में लेकर के जाएंगे, और इस फर्नेंस में बेसिकली गैसेस मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के जरिए इसको कोल को ब्रेकिंग कर दी जाएगी, और उस ब्रेकिंग के सहारे गैसिफिकेशन मतलब गैस में तब्दील कर दिया जाएगा, जैसे आपका नेचुरल गैस होता है वैसे ही गैसियस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर लिक्विफैक्शन लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो गैस और लिक्विड है अब सीधी सी बात है कुछ ज्यादा ही क्लीन फॉर्मेट में आ जाएगा एज कंपेयर टू जो रॉ कोल है। इस कोल के फॉर्मेट में और इसकी क्लीनिंग के बाद जब इसको बर्न किया जाएगा अब इससे जो हमारा ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही थी वो अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी, और दूसरा हमारी जो इफिशियंसी है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा बढ़ करके अब मिल रही होगी, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा कि हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी पे अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहे होते हैं। तो इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का एक फंड भी अलोकेट किया हुआ है। इसमें कहा गया है कि फॉर इवैक्यूएशन ऑफ एनहांस्ड कोल इंडिया लिमिटेड टारगेट ऑफ 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाय 2023-24 प्लस कोल प्रोडक्शन फ्रॉम प्राइवेट ब्लॉक्स, तो ये एक टारगेट दिया गया है कि 1 बिलियन टन जो होता है वो कोयला निकालना होगा। इट इंक्लूड्स रेट 18,000 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैकेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ कोल कन्वेयर बेल्ट फ्रॉम माइन टू रेलवे साइडलाइंस, तो रेलवे साइडलाइन का मतलब वही होता है जो रेलवे ट्रैक पे आप लोगों ने देखा होगा कि केवल एक ही होती है ट्रैक जिसपे आवागमन चलता है, मतलब ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती है, एक होती है जहां पर ट्रेन को ले आकर के खड़ा कर दिया जाता है और उसमें जो भी कोयला या जो कुछ भी लदा होता है उसको निकाल लिया जाता है, इसको बुलाता है ट्रेन साइडलाइन। तो ट्रेन साइडलाइन का मतलब यहां पर जाकर के ट्रेन में अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, अब लोडिंग के बाद तब जाकर के ट्रेन या अपना ट्रैक बदल करके इस ट्रैक पे आ जाएगी और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी यहां तक पहुंचाने का मोड है उस मोड में मैकेनाइजेशन कर दी जाएगी, मतलब ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में हो जाएगा, अलग से यहां पर लेबर फोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी करना है उसमें 18,000 करोड़ का वर्थ लगा दिया जाएगा, 18,000 करोड़ रुपए लगा दिए जाएंगे। दिस मेजर विल ऑल्सो हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी ये काफी ज्यादा साफ रहेगा,
क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोयला जब भी लोडिंग होती है तो उसका जो ब्लैक सूट पार्टिकल होता है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, जिसके कारण से कई लोगों को लंग कैंसर या फिर खांसी जैसी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी या फिर ब्रोंकाइटिस टाइप की बीमारी हो जा रही होती है। आगे देखिए, कोल बेड मीथेन के बारे में भी बात किया गया है। कोल बेड मीथेन के बारे में आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लीजिए क्या चीज है। जैसे मान लेते हैं कोयला होता है, तो कोयला क्या होता है, जमीन के काफी नीचे दबा होता है, इसके ऊपर गैसेस फॉर्मेशन में होती है, गैस होती है। जो गैस होती है उसको जब भी आप ड्रिल करके निकालने, कोयला निकालने की सोचते हैं तो इस गैस के, गैस लीक हो जाती है और गैस लीक होने के कारण से ही कोल के जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वहां पर विस्फोट होने की, वहां पर उनके ब्लास्ट होने की बहुत ज्यादा न्यूज आप लोगों को मिल रही होती है। तो अब ये जो ब्लास्ट होकर के बाहर निकल रहा है, इसमें होता क्या है कि ये गैस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले ड्रिलिंग करके फिर उसके बाद से वाटर की सहायता से, मतलब पानी यहां पर भेज दिया जाता है और फ्रेश वाटर की सहायता से पहले गैस को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है और ये हमारा बन जाता है कोल बेड मीथेन के फॉर्मेट में। इसको गैसेस को अलग कर लिया जाता है, मिथेनॉल होती है बेसिकली, और इसको अलग करके हम लोग इसको फ्यूल के फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। बेसिकली इसी के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की जा रही है कि कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट टू बी ऑक्शन फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड कोल माइंस। तो इसके भी ऑक्शनिंग के बारे में बात की जा रही है। इससे होगा क्या कि ईज ऑफ डूइंग मेजर्स जो होता है हमारा, जो हमारी सच एज माइनिंग प्लान सिंप्लीफिकेशन, ये लिया जाएगा, तो इससे हमारी जो रैंकिंग हो काफी अच्छे से इंप्रूव कर जा रही होगी। माइनिंग प्लान हैज बीन शॉर्टेंड मेड अमेंडेबल फॉर लोडिंग ऑनलाइन टू अलाउ फॉर ऑटोमेटिक 40% इंक्रीज इन एनुअल प्रोडक्शन। तो इससे क्या है, हम लोग जब ऑनलाइन कर देंगे चीजों को तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्शन, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार इंक्रीज करती जाएगी, बढ़िया होती जाएगी, रैंकिंग इंप्रूव करते जाएंगे हम लोग। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि कंसेशंस इन कमर्शियल टर्म्स गिवन टू कोल इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर्स, जिसमें क्या है कि रिलीफ दिया जाएगा 5000 करोड़ का। इसमें कहा, एक और चीज कहा गया है, रिजर्व प्राइस इन ऑक्शंस फॉर नॉन पावर कंज्यूमर रिड्यूस्ड, क्रेडिट टर्म ईज्ड एंड लिफ्टिंग पीरियड एनहेंस। तो इसमें क्या है, बेसिकली कंसेशंस दिए जाएंगे जो भी कमर्शियल टर्म में, जब भी CIL कंज्यूमर को जो भी रिलीफ दे रहा होगा तो उसमें बेसिकली कंसेशंस दिए जा रहे होंगे एंड दैट विल बी ऑफ 5000 करोड़ ऑफर्ड किया गया है इसके लिए। तो ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए मिनरल सेक्टर के बारे में बात की गई है। तो हम लोगों ने कोल के बारे में तो जान लिया, अब हम लोग मिनरल सेक्टर के बारे में जरा आ जाते हैं। मिनरल का मतलब बॉक्साइट, एल्यूमिनियम एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहीं पर आ जाएंगी। हालांकि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम एक ही चीज होती है, बाकी जितने भी टंगस्टन हो गए या फिर हमारे कोबाल्ट हो गए ऑल दैट, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर कहा यह गया है कि देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू बूस्ट ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी स्पेशली इन एक्सप्लोरेशन थ्रू हो क्या रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं यहां पर बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं और क्या दिक्कत आ रही है और गवर्नमेंट ने किस दिक्कत को एड्रेस किया है। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है जो एल्यूमिनियम का सामान बनाती है, तो एल्यूमिनियम का सामान बनाने के लिए ऑब्वियसली ये जो मिनरल जो एक्सप्लोर करेगी, जो मिनरल ये माइन करेगी, वो रहेगा बॉक्साइट। अब बॉक्साइट को ले तो आ गया इसने, लेकिन एल्यूमिनियम केवल और केवल एल्यूमिनियम के सहारे तो चल नहीं पाएगा, इनको चाहिए होता है कोयला भी। क्यों? क्योंकि यहां से इनको एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अब इनको कोयला भी चाहिए, कोयला इनसे मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी को जब भी, जो भी कोल वाली कंपनी है उनको जब भी ये टारगेट करेंगे, जब भी उनसे कनेक्शन करेंगे तो ये क्या है, मना कर दे रहे होते हैं। अब बेचारा इसके पास जो एल्यूमिनियम वाली फैक्ट्री है उसके पास एल्यूमिनियम भी है, रॉ मटेरियल भी है, सब कुछ है, बस कोल नहीं है, एनर्जी नहीं है, जिसके कारण से ये प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अब कहा है कि हम लोग ज्वाइंट ऑक्शनिंग करेंगे। इस ज्वाइंट ऑक्शनिंग में क्या होगा कि अब ओपन कर देंगे हम लोग एल्यूमिनियम प्लस कोल, जिसको जिसको लेना है आ जाओ भाई, बिडिंग कर लो। अब बिडिंग करने के बाद आपको जितना भी चाहिए होगा उतना आप लेकर के अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी काफी अच्छा स्टेप है जहां पर हम लोग ज्वाइंट ऑक्शनिंग के बारे में बात करना शुरू कर दिए। एक नजर पूरे स्लाइड को अगर मारे तो देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू बूस्ट ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी स्पेशली इन एक्सप्लोरेशन, कैसे किया जा रहा है। पहला ऑप्शन यहां पर कहा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिज्यूम। तो एक्सप्लोरेशन भी करके, प्रोडक्शन भी करके और माइनिंग भी करके, तीनों चीजें एक साथ क्लब करके बेसिकली चीजों को लेकर के आया गया है। 500 माइनिंग ब्लॉक्स वुड बी ऑफर्ड थ्रू एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शनिंग ऑप्शन। यहां पर तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी है। इसके अलावा ज्वाइंट ऑक्शनिंग बॉक्साइट एंड कोल मिनरल ब्लॉक टू एनहेंस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस, दिस विल हेल्प एल्यूमिनियम इंडस्ट्री रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी चीज बता दी है मिनरल में क्या चीज है।
आगे अगर बात करें तो मिनरल सेक्टर में कुछ और भी पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉट कैप्टिव माइंस टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीज एंड सेल ऑफ सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स लीडिंग टू बेटर एफिशिएंसी इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन। अब यहां पर देखिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव यूज के बारे में बताया गया है। पहले इसको समझ लेते हैं कैप्टिव और नॉन कैप्टिव क्या चीज है, क्योंकि ऑलरेडी कोल ब्लॉक में भी आ रखा था तो इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैप्टिव का मतलब क्या होता है, कैप्टिव आप लोगों ने एनवायरमेंट में सुना होगा कि कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत ही प्रोटेक्टेड मेजर के साथ रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि आप ही है, दिस इज यू। आपने क्या किया, आपने एक मैंगो का पेड़ लगा के रखा हुआ है, मैंगो का पेड़ है। एक आदमी आता है और आपसे कहता है मुझे भी यार कुछ पार्ट मैंगो का दे देना, मैं रोज रोज जो है तुम्हारे पेड़ में पानी डाल दूंगा। तो आपने कहा ठीक है, तुम मुझे मैं तुम्हें एक काम करूंगा, जितना भी परसेंटेज मैंगो का होगा उसका मैं 10% तुमको दे दूंगा मैंगो, जो भी मतलब 10 अगर 100 मैंगो हो रहा है तो मैं तुमको 10 मैंगो दे दूंगा और तुम मुझे मतलब इस पेड़ को पानी डालते रहना, इसकी जो भी इरिगेशन करनी हो करते जाना, लेकिन ये जो मैं 10 दूंगा तुमको मैंगो ये तुम मार्केट में सेल नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि मैं सेल करता हूं, आई एम अ सेलर एंड बिकॉज ऑफ योर सेलिंग, अगर आप सेल करना शुरू कर देते तो मेरा मार्केट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने ही इनके साथ शुरू में ही एग्रीमेंट कर दिया कि आप सेल नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल आप इस चीज को खा सकते हैं, इसको ईटिंग पर्पस के लिए लेकर के रख सकते हैं। अगर ये बंदा बोलेगा कि हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं कैप्टिव माइनिंग, जहां पर बंदा माइनिंग कर तो रहा है लेकिन वो उस चीज को बेच नहीं सकता है, वो केवल और केवल उसे पर्सनल यूज के लिए रख सकता है, दिस इज पर्सनल यूज, इसको बोलते हैं कैप्टिव माइनिंग। क्लियर हो गया कैप्टिव माइनिंग का मतलब क्या चीज है। तो ये अब कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइनिंग, मतलब कि जो लोग बेच भी सकते हैं, इन दोनों में जितना भी डिस्टिंक्शन जो भी प्रॉब्लम थी उसको हटा दिया गया है। एंड इट विल अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेस एंड सेल ऑफ सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स लीडिंग टू बेटर एफिशिएंसी ऑफ माइनिंग एंड प्रोडक्शन। तो इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से माइनिंग और प्रोडक्शन की जा सकेगी। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मिनरल इंडेक्स फॉर डिफरेंट मिनरल्स, तो एक मिनरल इंडेक्स भी निकाल दिया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमें आइडिया लगेगा कि आखिर में कौन सी मिनरल मार्केट में ज्यादा अट्रैक्शन पा रही है और उसी मिनरल की हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी कर रहे होंगे। इसके अलावा देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेएबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ माइनिंग लीजेस, तो शुरू में हम कोई भी स्टैम्प ड्यूटी या कुछ भी नहीं लेंगे, जब ये ऑक्शनिंग का टाइम होगा, जब भी माइनिंग लीजेस का टाइम आएगा उस समय ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा पैसा लिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी का। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।